हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवांस एक्सेल फॉर एडवांसमेंट। तो आज हम सीखेंगे एच लुकअप का फार्मूला। इससे पहले हमने सीखा था वी लुकअप का फार्मूला, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, एच लुकअप का फार्मूला। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ एडवांस पार्ट भी सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज चैप्टर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेटा मेंशन है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, ग्रेड एंड सैलरी है, जो कि मेरे फर्स्ट सेक्शन में है। और दूसरा टेबल आता है मेरा सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, नेम, सैलरी, ग्रेड, जो कि मेरे हेडर्स बिल्कुल ही अलग हैं। अब मुझे यहाँ पर इसका जब डेटा पेस्ट करना है वो, तो मैं इसको डायरेक्टली उठाकर पेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हेडर्स मेरे अलग हैं। तो यहाँ पर मेरा एच लुकअप का फंक्शन जो है काम आता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। एच लुकअप मैंने यहाँ पर टाइप करा, तो देख सकते हैं फॉर्मूला आ गया। मैंने टैब प्रेस कर दिया। लुकअप वैल्यू मेरी क्या रहेगी? सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर पे मैं, जो आप देख सकते हैं, ये एच में ही रहेगा, तो मैं यहाँ पर टू को फ्रीज कर देता हूँ, क्योंकि टू नंबर जो टू रॉ है वहाँ पर मेरा हेडर है। तो मैंने F4 यहाँ पे जैसे ही प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं रॉ और कॉलम दोनों मेरे यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं, एच नंबर और ये थ्री। आप टू देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो है रॉ नंबर है वो फ्रीज हो गया। तो मैं दोबारा F4 प्रेस करूँगा, तो अब सिर्फ मेरी रॉ फ्रीज है, कॉलम मेरा अनफ्रीज हो गया है। कॉमा टाइप करूंगा। अब मुझे यहाँ पर टेबल एरे सेलेक्ट करनी है। टेबल मैंने पूरी सेलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ पर F4 प्रेस करके टेबल को फ्रीज कर दूंगा। टेबल मेरी फ्रीज हो चुकी है, कॉमा मैंने टाइप करा। अब ये चाहता है कि मैं इसको रॉ नंबर दे दूँ, तो मेरा फर्स्ट डेटा कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पर। तो मैंने टेबल का सेकंड नंबर का रॉ मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन जो वी लुकअप में रहता है कॉमा जीरो, जो एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए तो आप जीरो टाइप करें, अदरवाइज आप यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है 1। तो मैं इसको अगर आगे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं सेम इसने डेटा वहाँ से उठा लिया। बट इशू कहाँ पर आता है, जब मैं इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है मेरा 2, बट यहाँ पर शो हो रहा है 1। तो इसके लिए मैं आपको काफ़ी छोटा सा जो है टिपिकल होगा आपके लिए, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो 2 टाइप करा है, वो 2 यानी कि ये सेकंड नंबर पे, आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये वो 2 है। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या है, रॉ नंबर 3। तो 3 - 1 = 2। तो मैं यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर 2 में आप देख, मैं 2 यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टाइप करा रॉ, मीन्स रॉ का फार्मूला लगा दिया, तो ये रॉ उठा लेगा कौन सी है, रो सेलेक्ट कर लिए, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर जो भी रो का नंबर होगा तो वो यहाँ पर टाइप कर देगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 यानी 3 - 1, तो ये क्या ले लेगा, 2। तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर के आगे 1। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इसी को नीचे पेस्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं डेटा मेरा सारा यहाँ पर पेस्ट होता जाएगा। मैं अलग से भी आपको रॉ का फॉर्मूला यहाँ पर लगा के दिखाया, तो रॉ मैंने यहाँ पर टाइप करा ब्रैकेट क्लोज और -1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आया, ऊपर 2, नीचे आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो यही फार्मूला मैंने इसके अंदर एंटर करा है, ये डिजिट चेंज करने के लिए जो हम रॉ इंडेक्स नंबर डालते हैं। तो क्लियर है आपको फार्मूला। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।